हाय फ्रेंड, मैं हूं सजदा और आज मैं आपको ऑयल पुलिंग के बारे में बताऊंगी। हो सकता है आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी शुरुआत भारत में ही हुआ है, लेकिन यह वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर है और भारत में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऑयल पुलिंग को गंडोस कर्म भी कहा जाता है। यह अनेक बीमारियों का इलाज है। यह दांतों को सफ़ेद और मजबूत बनाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, खून और शरीर के टॉक्सिक को निकालता है, सांस के बदबू को दूर करता है, जोड़ों के दर्द और गठिया के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, अस्थमा के मरीजों को बहुत राहत पहुंचाता है। इससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे चेहरे के झुर्रियाँ कम होने लगते हैं। एक्ने को दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन पर ग्लो आता है, माइग्रेन के प्रॉब्लम को हटाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, डाइजेशन ठीक रहता है, हार्ट, लीवर, किडनी सभी अच्छी तरह से काम करता है। बुढ़ापे में होने वाली अनेक बीमारियों से आप दूर ही रहेंगे। ऑयल पुलिंग को खाली पेट ही करना चाहिए। सुबह ब्रश करने से पहले इसे करें। ऐसा करने से रात भर में जो हमारे शरीर और मुंह में टॉक्सिक बनता है उसे निकालता है। बस एक चम्मच ऑयल मुंह में लेना है। आप चाहे तो तिल का तेल या नारियल का तेल या बादाम का तेल ले सकते हैं। ऑयल को मुंह में बंद करके मुंह में ही दाएं बाएं घुमाना है और दांतों से आगे पीछे खींचना है। 10 से 15 मिनट के बाद इसे बाहर निकाल देना है, यानी थूक देना है, इसे निगलना नहीं है। 10 से 15 मिनट के बाद तेल सफ़ेद हो जाता है। ऑयल पुलिंग के बाद मुंह को अच्छे से धो लीजिए और ब्रश कर लीजिए। इसे आप चाहे तो शाम में भी यूज कर सकते हो, जब आपका पेट खाली हो। इसे आप डेली फॉलो करें। ऑयल पुलिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी। आप जब भी ऑयल पुलिंग करो, उस ऑयल को एक घूंट भी निगलना नहीं है। जब ऑयल पुलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए तब उसे थूक देना है, गटकना नहीं है। जो ऑयल आप यूज कर रहे हो वह एडिबल होना चाहिए, यानी 100% प्योर होना चाहिए। सिर में यूज करने वाला ऑयल यूज नहीं करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।